अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं गोश्त की कड़ी। उसके लिए हमें चाहिए, हमने लिया है 1.25 किलो गोश्त, ये हड्डी और चिकने के साथ है, और हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसे हमने अच्छे से कट कर लिया है। बड़े नींबू के तीम ले ली है, उसे हमने अच्छे से वॉश कर कर 3 पानी से वॉश कर कर भिगने के लिए रखा है। और हमने लिया है 10 से 12 करिया पाक के पत्ते हैं, एक छोटी सी प्याज ली है, उसे हमने अच्छे से कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी कोथमीर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और हमने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जवारी का आटा लिया है 1 कप। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे गोश्त की कड़ी बनाने के लिए। देखिए, हमने चूल्हे पर कुकर रख लिया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम डालेंगे टमाटर। देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी कोथमीर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 ग्लास पानी गोश्त गलने के लिए, और इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पका लेंगे। उबाल आ गया है, अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, हाई फ्लेम पे 5 सीटी लगाएंगे, सिम पे 4 सीटी लगाएंगे गोश्त गलने के लिए। देखिए, हाई फ्लेम पे 5 सीटी हो गए हैं, सिम पे 3 सीटी हो गए हैं, गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का खट्टा डालेंगे, इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे 2 ग्लास पानी, हमने लिया है जवारी का आटा, इसे हमने थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लिया है जवारी का आटे का, और हमने लिया है 2 तेज़पत्ते लिए हैं, थोड़ा सा पत्थर का फूल लिया है। देखिए, अब हम डाल रहे हैं जो घोल हमने बना लिया था वो डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए डालिए, नहीं तो लम्स बन जाते हैं इसमें, अच्छे से मिक्स करते हुए डालिए। और हम डालेंगे 2 तेज़पत्ते, पत्थर का फूल डालेंगे, और हम डालेंगे इसमें बोजवार मसाला 1 टीस्पून, और गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, इसे अच्छे से उबाल आने तक पका लीजिए, हाई फ्लेम पे पका लीजिए। और हम डालेंगे हरा मसाला, थोड़ी सी कोथमीर, 10 से 12 पत्ते हैं करिया पाक के, इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिए, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लीजिए। गोश्त की कड़ी डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए, गोश्त की कड़ी डिश आउट हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, और इसके साथ आप बना सकते हैं कुटेवा गोश्त। कुटेवा गोश्त की रेसिपी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।